लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, खतरनाक आतंकवादी जकार्तों ने शहर में कई जगह पर बम लगा रखे हैं, जिनमें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े होटल्स, स्कूल्स और कई अस्पताल भी शामिल हैं। उसकी शर्त है कि उसके चार साथी जो पिछले बम ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें आज 12 बजे तक रिहा कर दिया जाए, वरना वो रिमोट से इन जगहों को उड़ा देगा। हमें चार आतंकवादियों के बदले हजारों हिंदुस्तानियों की जान ज्यादा प्यारी है। सर, वक्त बहुत कम है। अगर जकार्तों को जल्दी जवाब नहीं दिया गया तो? जकार्ता को सिर्फ एक ही आदमी जवाब दे सकता है, कमिश्नर सूर्यदेव सिंह। एक तरफ वो हिंदुस्तान की पुलिस जिस पर सारी दुनिया नाज करती है, और एक तरफ अकेला जकार्तो जिसने तुम जैसे पुलिस वालों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऑफिसर, लगता है तुम्हारे हिंदुस्तान के फौलाद को जंग खा गया है, जंग। और अब होशियारी ना भाई, रिवॉल्वर मेरे हवाले कर। अब अपने दोनों हाथ ऊपर उठा। शाबाश, बस अब चंद लम्हों के बाद मैं इस पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें सुनाई देंगी मौत से लिपटी हुई दर्दनाक चीखे। हिंदुस्तान की पुलिस की ताकत को ललकारा है, लेकिन हिंदुस्तान के फौलादी बाजू संग नहीं खाते जकार्तो। सूर्यदेव, क्या यह सच है कि तुम गोली पहले चलाते हो और बाद में करते हो? यह आपसे किसने कहा? क्योंकि मेरी गोली खाने वाला तो कुछ कहने के काबिल रहता ही नहीं, और जिसने मेरी गोली नहीं खाई उसकी बातों पर यकीन कैसे किया जा सकता है? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, हमारे तरीके अलग अलग हैं। आप मुजरिम के साथ तमीज से पेश आते हैं, लेकिन मेरे लिए जुर्म और मुजरिम एक ही है, एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर जुर्म को खत्म करना है तो मुजरिम को बेरहमी से फौरन खत्म कर देना चाहिए। आई बिलीव इन बुलेट फॉर बुलेट। नमस्ते जगत नारायण जी। नमस्ते जी। आय साहब, बहुत बहुत मुबारक। कैसे हो विशंबर? मैं भी पाय लगा। मंत्री जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मंत्री जी, आपकी सरकार भी बड़ी वो है, मेकअप के सामान पर कितना टैक्स बढ़ा दिया, खूबसूरती से नफरत करती है क्या? जय 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 जय। मंत्री जी, ये मेरा बेटा है नागेंद्र। नमस्ते। नमस्ते बेटा। भरा पूरा खानदान है तुम्हारा सूर्यदेव? भाई साहब का तो पूरा खानदान इनके पोते काजल ही है। मेरी बेटी किरण उसे बहुत याद कर रही थी। अच्छा, परसों किरण की शादी है। अच्छा, कब आ रही काजल लंदन से? जी कल आ रही है, फाइनल एग्जाम के बाद। अच्छा, चलते सर।
आप लोगों को भी शादी पर निमंत्रण है, जरूर आइएगा। जय जय, जरूर आएंगे, खूब खाएंगे। भाई साहब आपने बताया नहीं कि काजल बेटी आ रही है। अरे नहीं बताया, शायद भूल गया होगा, उम्र हो रही है ना। जिस तरह आपने जकार्तो को मारा था उससे तो बिल्कुल नहीं लगता है। जेठ जी हमें अपना समझे कब ना, हम सौतेले जो ठहरे क्या जेठ जी। नहीं राजरानी, ऐसी बात नहीं है। अगले साल तो मैं रिटायर हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि काजल आ जाए, उसकी शादी कर दूं, वो अपना सुंदर नगर संभाले और मैं गंगा नहाऊं। मेरे हाथों पर इतने खून है कि मरने से पहले उन्हें धोना तो पड़ेगा। ये क्या जीजा जी, अपने बाप की तस्वीर पे थूक दिया। ये उसकी खुशकिस्मती है कि ये सिर्फ तस्वीर है, अगर वो जिंदा होता तो उसे इसी तहखाने में कैद करके रखता, जैसे औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद करके रखा था। आपको इतनी नफरत क्यों है अपने बाप से, आखिर आप उन्हीं का खून हो। खून तो मैं था, मगर उसने सूर्य देव सिंह को अपना समझा, अपने भाई की औलाद को अपना समझा, अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी एस्टेट सूर्य देव सिंह की औलाद के नाम कर गया हराम साता। यही तो खड़े खड़े मेरी बच जाती है जीजा जी, जायदाद नाम करनी थी तो सूर्य देव के नाम पे करता, लेकिन उसकी औलाद, औलाद की औलाद, उनके नाम क्यों कर गया। उस कमीने को डर था कि कहीं सूर्य देव सिंह पिघल कर सारी जायदाद मेरे नाम ना करते। अपने खून पर इतना ना एतबार जजा, क्यों इतनी बड़ी ना इंसाफी की आपके साथ। क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन से ब्याह किया था, एक कोठे वाली से ब्याह किया था। नहीं नहीं कबूल किया उसने, कहता था घर को कोठा बनाएगा क्या, सारी जायदाद से बेदखल कर दिया। पापा जी आपके बाप ने आपको सिर्फ जायदाद से नहीं बल्कि जिंदगी की हर उस खुशी से बेदखल कर दिया जो आपकी विरासत थी। जिंदगी भर जिल्लत के टुकड़ों पर पलते पलते हमारी हालत उस अपाहिज की तरह हो गई है जिसके पास चलने के लिए बैसाखी तो है और उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं। नागेंद्र, तेरा बाप मेरे बाप की तरह हराम ज्यादा नहीं, मैं तुझे तेरा हक दिलाकर रहूंगा, सुंदर नगर हमारा होकर रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे खून के दरिया पर लाशों का पुल क्यों ना बांधना पड़े। काजल के मरने के बाद सुंदर नगर और सारी जायदाद का वारिस मैं हो जाऊंगा, और कल काजल एयरपोर्ट से घर तक नहीं पहुंच पाएगी, इसका इंतजाम भी हो गया है पापा जी। फ्लाइट लैंड होने वाली। सारी रात मैं तो सोया नहीं। ओ देखो, अरे पापा काजल, अरे पापा काजल, मेरी बच्ची, मेरी जान। बूजी, अरे पापा की तबीयत तो ठीक है ना, जरा देखिए उनकी आंखें कितनी लाल है। तेरे आने की खबर सुनने के बाद रात भर तेरे बड़े पापा सोए नहीं, कहीं का बस चलता तो ये सूरज को भी डूबने नहीं देते। सूरज को भी काजल जैसी पोती होती ना तो वो भी डूबना भूल जाता। देखिए बड़े पापा, हम कितने बड़े हो गए, बिल्कुल आपके बराबर हैं, क्यों है ना बूजी। तू कितने भी बड़ी हो जाए बिट्टू, मगर भाई साहब के सामने तू उतनी रहेगी जितना उन्होंने तुझे गोद में देखा था। चलो चलो घर चले। नहीं बड़े पापा, तब तो आपको हमें गोद में उठा कर ले जाना पड़ेगा। We'll be right back.
बेबी, ओके। अरे वाह, आलू के पराठे। आज तो हम अपनी काजल बिटिया को अपने हाथ से पराठा खिलाएंगे। लो। बड़े पापा, हम बड़े हो गए, अपने हाथ से खाएंगे। बेटा, तू अपने हाथ से खाएगी, तेरा पेट तो भर जाएगा। तेरे बड़े पापा का पेट कैसे भरेगा? हमारे हाथ से लीजिए। क्या कर रही हो? हम अपने भालू को खिला रहे हैं और फिर भालू हमें नाच दिखाएगा। क्या 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 क्या? नो 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 नो, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बड़े पापा, बचपन में नहीं दिखाते थे क्या? हो जाए, हो जाए, मैं डमरू, तू भी। मैं आदमी नहीं, मुझे भी अच्छा लगता भालू का डांस। हाँ चलो चलो। रुक्मनी, देखो ना कैसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। इस उम्र में मैं भालू का डांस करूंगा क्या? बूजी बोलिए ना, बच्चे जिद कर रही है, दिखा दीजिए ना। अरे डमरू, दे ताल। या, अरे गिर गया ऊपर से। भगवान करे उसकी बीवी अंधी हो जाए, कि औलाद कुत्ती कमीनी निकले नाश पीते। उन कलमुहों की हिम्मत कैसे हुई तुझ पर नजर डालन? चाचा है। हाँ बड़े जी चाची, जब हमने सुना कि बिटिया रानी पर हमला हुआ है, हमारी तो खड़े खड़े बच गई। गोली काजल पर नहीं, पुलिस पर चलाई गई थी। भाई साहब, गोली का कोई ईमान नहीं होता। वो ये नहीं देखती कि जिस सीने में वो घुस रही है वो सीना किसका है। गोलियों को भी इतनी तमीज होती है कि फौलादी सीने के सामने अदब से पेश आए पिशंबर। बड़े जीजा जी, मुश्किल तो ये है कि आपकी सलामती के लिए किस्मत को आपका साथ हर बार देना पड़ेगा, लेकिन दुश्मन की कामयाबी के लिए किस्मत को उनका साथ जय सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो बनवारी, जिस दिन मेरी काजल का बाल भी पाका हुआ उस दिन कयामत आ जाएगी। जेठ जी, आप भी खूब हैं। आज ही मैंने अपने बाल सेट करवाए हैं और आज ही आप कयामत की बात करते हैं। अभी तो मैंने काजल बिटिया का लाया हुआ शीविंग शूट भी नहीं पहना। आपकी छोटी दादी भी कम नहीं है। विशंबर, तुम लोग जयनारायण जी की बेटी की शादी पर आ रहे हो ना? होम मिनिस्टर साहब के यहाँ। अच्छा हुआ भाई साहब आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। अरे डमरू, हाँ जी, सबको नाश्ता वास्ता नहीं करवाओगे? करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा, मैंने भी नहीं किया। सांप तो दूध पीते हैं, आप लोग क्या पीएंगे? ना 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 नगंडा ना, जाने दे जाने। अच्छा भाई साहब, इजाजत दीजिए। काजल बिटिया, छोटे दादा जा रहे हैं, प्रणाम करो। सुखी रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें हर अपशकुन हर अशुभ चीज से बचाए रखे, तुम्हारा कभी अमंगल न हो। We'll be right back.
घर पे गई, कुछ काम से मैं सीढ़ी पे था वो चोर खड़ा, दिल के अंदर था शोर बड़ा, बाहर गली में सन्नाटा। काजल, कल ब्याह में तुझे खुश नाचते देख मुझे ऐसा लगा कि अब तेरी भी डोली मुझे जल्दी भेजनी पड़ेगी। बड़े पापा, I don't like you. आप बड़े बदमाश हैं। क्या करूं? बदमाशों के साथ जो रहता हूं, सोबत का असर तो पड़ ही जाता है ना। हाँ हाँ हाँ, आप हमें इतनी दूर इसलिए भेज रहे ताकि हमारी सोबत का असर आप पे ना पड़े। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। बड़े पापा, एक दिन हम इतनी दूर चले जाएंगे कि आपकी पकड़ में नहीं आएंगे, देख लेना। काजल, बात तो सुनो। हेलो, 213 की क्या रिपोर्ट है? और 701 की? नाकाबंदी कर दो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सब रास्ते बंद कर दो। सर, पहले आप पट्टी तो बंद कीजिए। जल्दी करो डॉक्टर। हाँ, जस्ट ए मिनट, बी ऑन द लाइन। हेडक्वार्टर्स, हेलो हेडक्वार्टर्स, हाँ कुछ पता चला? हाय हाय जेठ जी, ये सब क्या हो गया? अभी तो हमारी पिंटो ने 1657 भी नहीं देखा था। मैं तो कहती हूँ आग लगे हरामजादों को। सुअर के जने होंगे जो हमारी पिंटो को उठाया। जय जय, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। कुछ नहीं होगा, उसे कुछ हो ही नहीं सकता। हौसला रखिए भाई साहब, काजल मिल जाएगी। किस हाथ में मिलेगी ये तो भगवान ही जाने। तो मेरे बड़े पापा को नहीं जानते? अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाबू, सुनता नहीं है क्या?
अगर एक घंटे के अंदर मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं कानून अपने हाथों में ले लूंगा। जो लोग बारूद की ही जुबान समझते हैं उन्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा मैं। भाई साहब काजल, काजल को कुछ नहीं होगा। भाई साहब काजल आ गई। काजल, 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 मेरी बच्ची, मेरी जान, तू मुझे छोड़कर कहां चली गई थी मेरी बच्ची? तू कहां थी मेरी बच्ची, मेरी जान? बड़े पापा, हम तो मरे गए होते अगर ये वक्त पर आकर हमें नहीं बचाते। इधर आओ नौजवान। इंस्पेक्टर बूजी। क्या नाम है तुम्हारा? करण। करते क्या हो? जंग। किससे? भूख से, बेकारी से, अपनी किस्मत से और अपने आप से। तुम परसों मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। जी। आओ। रुक्मणी, अच्छा हुआ हमारी बिट्टो सही सलामत वापस आ गई। काजल बेटा, इनका शुक्रिया अदा करो। हम इनका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे बड़े पापा। शुक्रिया अदा करने से एहसान खत्म हो जाता है, और अगर एहसान खत्म हो जाए तो दोस्ती कैसे शुरू होगी? पुलिस शहर का चप्पा चप्पा छान रही है पीशंबर सेठ। आपने वादा किया था पुलिस से बचाने के लिए, आप हमें किसी महफूज जगह पर भेज देंगे। काजी, मेरे प्यारे जीजा जी, अपने वादे के मुताबिक तुम लोगों को उस जगह पे भेज देंगे जहाँ पे सूर्य दे सिंह तो क्या तुम अपने आप को भी नहीं ढूंढ सकोगे। माजे नागेंद्र जी, बाबा जी, मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दो। जय जय। क्या हो गया भाई साहब? मैं आज किसी और ही सूर्यदेव सिंह को देख रही हूं। मैंने कभी पहाड़ों को हिलते भी नहीं देखा। पहाड़ों के औलाद नहीं होती रुक्मिणी। औलाद औलाद आदमी को कमजोर कर देती है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सोचना पड़ता है। पता नहीं कौन मेरी पीठ पीछे मुझ पर वार कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं मेरी वर्दी मेरी बच्ची के लिए अभिशाप ना बन जाए। मैं समझती हूँ भाई साहब, मैंने तो काजल को सिर्फ पाला है। जब मैं उसके लिए इतनी परेशान हो सकती हूँ तो आपका क्या हाल होता होगा? आपकी जान और जहान दोनों तो काजल ही है। तुमने काजल को सिर्फ पाला ही नहीं रुक्मिणी, तुम तो उसकी परवरिश में अपना घर बसाना भी भूल गई। तुम ना होती तो मुझ जैसा अक्खड़ पुलिस ऑफिसर अपने अरुण और गीता की आखिरी निशानी को कैसे संभालता? आपने भी तो एक बेसहारा को अपनी बहन का दर्जा दिया, मुझे काजल की बुआ जी बना दिया। रुक्मिणी, सोच रहा हूं कि काजल को तुम्हारे साथ सुंदरनगर भेज दूं। सुंदरनगर? रोशनलाल जी के पास? रोशनलाल मेरे बचपन का दोस्त है, और फिर उसका पोता रोहित आर्मी में डॉक्टर भी बन गया है। वहां काजल महफूज भी रहेगी, और अगर काजल और रोहित ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो उन दोनों की शादी भी करवा देंगे। लेकिन आपको यकीन है कि आपके कहने से काजल चली जाएगी? हाँ रुक्मिणी, हाँ। सोचा था कि इस बार उसे जी भर के देखूंगा, उसके साथ वक्त गुजारूंगा, उसके साथ खेलूंगा, मगर उसे सुंदरनगर जाना ही होगा रुक्मिणी। काजल को सुंदरनगर जाना ही होगा। कम इन। हाँ तो करण, कौन कौन है तुम्हारे घर में? चंद फाके, चंद टूटे हुए सपने और एक बीमार माँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे जैसे नौजवानों को सिर्फ एक मौका चाहिए सर,
कि अपनी आवारगी को हिंदुस्तान की जिंदगी पर कुर्बान कर सके। कैसा मौका चाहते हो तुम? वो मौका जिसे इस मुल्क में नौकरी कहते हैं। नौकरी खतरे की हो तो मौत भी हो सकती है। मौत तो मुफ्त में बदनाम है कमिश्नर साहब, जान तो जिंदगी लेती है। जिंदगी से बहुत नाराज रखते हो। जिंदगी से नहीं, अपने आप से। तो आज से ये नाराजगी खत्म हुई समझो। करो, तुम्हारी नौकरी पक्की। करना क्या होगा मुझे? मेरी जान की हिफाजत। आपकी जान? मेरी पोती काजल। लेकिन आपके पास तो इतनी पुलिस है, फिर इस काम के लिए मुझे क्यों? पुलिस की मौजूदगी की वजह से काजल हमेशा दुश्मनों की नजर और उनके निशाने की जद में रहेगी, और मैं उसे महफूज रखना चाहता हूं। फिर मुझ पर यकीन की वजह? मेरा विश्वास, वरना सूर्यदेव सिंह तो अपनी परछाई तक का यकीन नहीं करता। आज से तुम काजल के बॉडीगार्ड हो। जाओ, सुंदरनगर जाने की तैयारी करो। सर, जाने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहूंगा। ओके, थैंक यू सर। करण, तुमने अपनी तनख्वाह के बारे में कुछ नहीं पूछा। जो सूर्यदेव सिंह अपनी परछाई तक का यकीन नहीं करता, उसका यकीन ही मेरा मुआवजा है, और बाकी जो आप देंगे वो मेरा इनाम होगा। गुड बाय सर। कोई बात नहीं है, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे घर ले चल। ले चलूंगा, जब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना, तुझे घर ले चलूंगा। ये ठीक कहता है बहन जी, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको करण जैसा बेटा मिला। अच्छा माँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखना, पता नहीं मेरे लिए कहां कहां मरता रहता है। ये जिंदगी भी तो तेरी दी हुई है, तेरे लिए नहीं मरूंगा तो किसके लिए मरूंगा। अच्छा मां, चलता हूं। भगवान तुझे कामयाबी दे। आइए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, इन रुपयों का मेरे लिए इतना ही मोल है कि इनकी वजह से मेरी मां की जान बची। ये लीजिए, जरूरत पड़ी तो और लाऊंगा। अब मेरी माँ के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डोंट वरी, हौसला रखो। एक अजनबी लड़के को काजल का बॉडीगार्ड बना दिया? वो अजनबी नहीं है रुक्मिणी, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। शहीद फौजी का बेटा है, माँ बीमार है, अस्पताल में है। आपके पुलिस फोर्स में कोई काबिल आदमी नहीं है जो काजल की हिफाजत कर सके? काबिल तो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन मैं काजल के साथ कोई पुलिस का आदमी नहीं चाहता। पुलिस होगी तो काजल दुश्मन की नजर में आ सकती है, धोखा हो सकता है। धोखा तो खा गया पुलिस कमिश्नर। काजल की मौत उसकी जिंदगी की हिफाजत करेगी। वाह जिनाजी वाह, वाह जय जय। बनवारी, बास को धोखा देने के लिए बास से भी ऊपर उड़ना पड़ता है। सूर्यदेव सिंह इतना शातिर है कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की जरा सी जुम्बिश भी उसकी निगाह से बच नहीं सकती। उसका भरोसा जीतने के लिए हमें एक ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर सूर्यदेव सिंह के शक का साया भी न पड़ सके। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें करण मिल गया। सुंदर नगर और सारी जायदाद हासिल करने के लिए हम कोई भी कीमत चुका सकते हैं, लेकिन याद रहे ये कत्ल एक हादसा लगना चाहिए, एक्सीडेंट। ऐसा ही होगा। क्या हो रहा है? कौन है? पड़े? हाँ जी। क्या करते रहते हो? कैसे बाकी क्या है? मेरे ठाकुर जी को नहीं रखा, मेरा पूजा का सामान नहीं रखा, ये सब क्या है? हा? आपने तो मना किया था कि मैं हाथ नहीं लगाऊं, अब हाथ लगाए बगैर सामान को बांधने के चमत्कार मुझे नहीं आता। आई एम वेरी सॉरी। पूजी, हम नहीं जाएंगे, समझाइए ना बड़े पापा को, काम ही जंगल में भेज रहे हैं। पूजी, तेरे बगैर तो
वनवास में बड़े पापा रहेंगे। अरे डमरू, बड़े पापा सब चीजें गाड़ी में रख दी है ना? जी, सिर्फ मैं ही बाहर हूँ। तथा बड़े पापा प्लीज। बेटा बिट्टू बूजी करण, ये सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। मैं जानता हूँ सर। ये रही पिस्तौल और ये रहा तुम्हारा लाइसेंस। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। मुझे लगता है ये बैलगाड़ी सुंदरनगर अगले साल पहुंचेगी। क्यों डमरू? ओ, अगर पहले पता होता तो एक साल का राशन साथ में लेके निकलते ना। अरे देखो मैं साइकिल वाला भी हमारे आगे निकल गया। चुप करो तुम लोग, वो ठीक चला रहा है। अरे माँ जी, मुझे तो डर है कहीं सुंदर नगर पहुँचते पहुँचते काजल बिटिया बूढ़ी ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो रास्ते में कहीं अच्छा लड़का देख के इनकी शादी करनी पड़ेगी। सब ठीक तो हो ना? हाँ सब फर्स्ट क्लास है जी। आप बड़ी जल्दी आ गए। आप जीप से आए क्या हवाई जहाज से? हम तो सोचे थे सुबह तक पहुँचेंगे आप। सच की जवाब बेबी जी, आप तो बहुत बड़ी हो गई। क्या करती धन्नो, बहुत कोशिश की लेकिन छोटी नहीं रह सकी। धन्नो बातें करने को बहुत टाइम पड़ा, पहले जीप पे से सामान को उठा के लाओ। चालू हो जा, चालू चल चल चल। सत्य जावा, मैं तो समझू मैं विलायती गुड्डा है जो बीबी जी अपने साथ लेके आए हैं। मैं विलायती गुड्डा नहीं हूँ, खाली हिंदुस्तानी हूँ। तू कौन है? डमरू। हाँ जी, ये धन्नो है भैरव चाचा की बेटी। हाँ। और धन्नो ये डमरू है। बीबी जी ये बचता भी है या सिर्फ नाम का डमरू है? ये खबरदार, मेरा मजाक उड़ाए ना। डमरू वहाँ क्या पापा कर रहे हो? चलो जल्दी से सामान उठाओ। बहन जी, ये ड्राइवर जी का क्या करना है? जीप में सोएंगे? ये ड्राइवर नहीं है जी, इनका नाम करण है, बिट्टू के बॉडीगार्ड हैं। ओ, तेरे साहब ने हिफाजत के लिए यहाँ भेजा है। अच्छा, इनके रहने का बंदोबस्त कर दिया। अच्छा जी, अच्छा चल बिट्टू। हाथ लगाऊं? क्यों? देखने के लिए कि करण लगता है कि नहीं। कलयुग, घोर कलयुग। हाय सत के जावा, फटके जावा। चालू। हाँ जी। और जा चालू। बहन जी के सामान ऊपर वाले कमरे में, बीवी जी के सामान में कोने वाले कमरे में, और बेटा का सामान हमारे पास वाले कमरे में, ड्राइवर जी के सामान में। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, बॉडीगार्ड जी आप हमारे साथ आइए, आइए। ये पास ट्रेन में पैदा हुआ था क्या? सबके जावा, तुझे कैसे पता? सिग्नल तोड़ तोड़ के जा रहा है, इसको बोलो स्टेशन आ गया है। खूबसूरत है ना? ये पहाड़ों की सुबह है बीबी जी, मेहमानों को इसी तरह जगाती है सबके जावा। हेलो, कौन बोल रहे जी? अरे साहब जी आप सबके जावा। हेलो बड़े पापा। बेटा कैसे हो, ठीक ठाक पहुंच गए? हाँ बड़े पापा। बेटा बोर तो नहीं हो रहे? नहीं बड़े पापा, लेकिन आप कब आ रहे हैं? मैं बहुत जल्दी आऊंगा। कैसा लग रहा है वहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है बड़े पापा। एक मिनट बूजी से बात करिए। हाँ दो। गुड मॉर्निंग। अरे रुक्मिणी क्या हुआ? गांव के धुल मिट्टी तो चंदन राबे होते हैं भाई साहब, आप अपना ख्याल रखिएगा। Yeah.
जा रे पंची के अबूले। सबके जावा, जरा सीढ़ी लगाकर मुंडेर से मेरी चोली तो उतार देना। कल बंदर चुराने गया था। यहाँ के बंदर चोली चुराते? पहाड़ों के बंदर ऐसे ही होते हैं जी। कैसे होते हैं जी? बिल्कुल तुम्हारी तरह। काजल! अरे मैं क्या काजल? पुत्र, बिटिया, लग जा अपने अंकल देखते ही। अब मेरी त्रिनु ठंडक। हाय रोहित, कैसे हो? As usual, खुद हंसता हुआ, दूसरों को हंसाता हुआ। काजल, अपना रोहित इतना खुश नसीब है कि सारी दुनिया के लोग इसके सामने अपना दिल खोल के रखते हैं। अच्छा? दारू, होता तो मैं हूँ, लोग तो सिर्फ अपने दिल मेरे हवाले कर देते हैं। मिस्टर हार्ट स्पेशलिस्ट, कहीं मरीजों को ठीक करते करते खुद दिल के मरीज मत बन जाना। वेल सर, वेल सर। रोशनलाल जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। ओ उल्लू ना पट्टा हवलदार कितने का। अरे रोशनलाल जी, आप तो जानते हैं कि अंकल को यहाँ बुलाने का एक आइडिया है मेरे पास। क्या? आप और मैं मिलकर काजल को किडनैप कर लेते हैं। फिर तो उन्हें आना ही पड़ेगा काजल के साथ। क्यों काजल? मुझे किडनैप करना ज़रा मुश्किल है। मेरा बॉडीगार्ड जो है। बॉडीगार्ड? जी हाँ, काजल की हिफाजत के लिए। तो काजल की हिफाजत की क्या जरूरत है? करण, ये रोशनलाल जी हैं। ओए हेलो यंग मैन, शेक हैंड। हेलो सर। ओए मैं क्या? ग्रिप तो तुम्हारी बड़ी दुरुस्त है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट कम है। मेरी ड्यूटी मुस्कुराने की नहीं, काजल की हिफाजत करने की है। वेल सर, वेल सर, आई एम इंप्रेस्ड। हाय, आई एम रोहित। कभी कोई दिल की शिकायत हो तो जरूर याद करना। अच्छा मैं चलता हूँ, पता नहीं कौन सा दिन मेरा इंतजार कर रहा होगा। और दादू, आप शायद भूल रहे हैं, आपको भी टेंडर की मीटिंग में जाना है। ओ लो सियापा, काजल बिटिया, तू तो जरूर मेरे बिजनेस का नुकसान करवा के रहेगी। जब पहले ही दिन मेरी ये आदत हो गई कि मैं अपनी टेंडर मीटिंग भूल गया तो ओके ओके क्यों हो गया। और बहन जी, आज रात नू तुम सब का डिनर। हां डिनर, ओके बाय। मैं तो ना धोके आया ओ राम जी, टॉवल भी साथ लाया, शर्ट भी पहन के आया। ओ मेरी पैंट किधर है वो राम जी, पतलून किधर है वो राम जी। ये सुंदर नगर तो कमाल की जगह है, यहाँ तो खुलेआम चोरी हो जाती है। यहाँ के बंदर तो चोलियां उठा के ले जाते हैं, कहीं मेरी पैंट तो नहीं उठा के ले गए। ओ मेरी पैंट, ओ मेरी पैंट किधर है वो राम जी। डमरू रुक यार, ओए मेरी पैंट कहाँ? तू तू भाग भाग भाग। अरे पुलिस निकले से जानो। कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रहे हो? ए तो मेरे पैंट के साथ क्या कर रही है? टाका लगा रही है। टाका लगा रही है, टाका फंसा रही है। हाय सदके जावा। देख दनु, मेरे से मजाक मत कर, मुझे काजल मैम सबके साथ में डिनर लेने जाना है, समझे? आई एम ऑलरेडी टॉयलेट, टू लेट। घर का गर्मा गर्म खाना छोड़ के होटल का ठंडा खाना खाएगा क्या सदके जावा? अरे अरे अरे, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे नाम हैं, लेकिन कोई एक नाम होता है जिसे सुनकर दिल धड़कने लगता है। ऐसा क्यों होता है रोहित? वो तो मुझे नहीं पता काजल, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि दिल सिर्फ धड़कने की भाषा जानता है। उसे ये नहीं पता होता वो क्यों धड़क रहा है, किसके लिए धड़क रहा है। ये दिल भी क्या चीज है रोहित? ओए रोहित पुत्र, परेड काफी हो गई, अब खाना खाना भी हो जाए, फूडिंग रेडी। आइए पहले, पिछले दो घंटे से कदम से कदम मिलाकर, कभी दो इंच इधर कभी दो इंच उधर, क्या विलायती नाच नाच है क्या? बिल्कुल नहीं, नाच तो हमारे जमाने में होता था, क्या खून में आग लग जाती थी। काजल पुत्र, तेरे दादाजी की शादी में मैं इतना नाचा था, इतना नाचा था कि हवलदार भी घोड़े से उतर कर हमारे साथ नाचने लगा। वेल सर, दादू, वेल सर। अरे करण बेटे, तुम क्या कर रहे हो? आओ बैठो ना। कम ऑन करण। करण आओ। करण बेटे, ये दस्तरखान एक ऐसी जगह है जहाँ दो इंसान साथ बैठकर रोटियां तोड़ते हैं और दिल जोड़ते हैं। और रोहित, तू काजल को सुंदर नगर की सैर कब करवाएगा? ये इन्हें दूसरों के दिल चीरने से फुर्सत मिले तब ना। दादू, कल ये डॉक्टर तमाम बीमार दिलों से छुट्टी लेकर इस सेहतमंद दिल को बहलाने के लिए एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ की खूबसूरती देखकर एक शहंशाह अपना ताज, एक सिपाही अपनी तलवार और एक इंसान अपना दिल निकाल कर रख दे।
ये यहाँ की सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है काजल। खतरनाक क्यों? खूबसूरती भी तो अक्सर खतरनाक होती है काजल। और वो जो तुम नदी देख रही हो ना, अपना महिवा था ना महिवा, उसकी गर्लफ्रेंड सोनी, उसी नदी पर बेचारी एक कच्चे घड़े पर तैर के गई और डूब के मर गई। So sad. अरे सैड बैठ क्या, she was a foolish girl. सोनी को सुमिक से लेनी चाहिए थी, कम से कम डूबने से तो बच जाती। रोहित, I'm gonna kill you, kill you. अरे संभाल के, ये यहाँ का suicide point, हर साल यहाँ से कोई ना कोई गिर के मर जाता। अभी पिछले साल ही एक लड़की यहाँ से गिर के मरी, शायद उसका पैर फिसल गया। करण, ऐसे कैसे देख रहे हो? क्या हो गया तुम्हें करण? बोलो। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? कुछ नहीं यार, तुम्हारी आंखें बड़ी अजीब हैं। ऐसी आंखें या तो किसी दीवाने की होती हैं या फिर किसी कातिल की। तुम्हें क्या लगता है भाई? पास आने से डर। रोहित, एक बात बताओ, अगर कोई लड़का किसी लड़की को लिफ्ट न दे तो लड़की को क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल, किसी और लड़के से लिफ्ट मांग लेनी चाहिए। यू आर इम्पॉसिबल, मेरी सहेली की जिंदगी का सवाल है और तुम इतनी लव स्टोरीज पढ़ते हो, बताओ ना। द होल थिंग इज वेरी सिंपल काजल, अपनी सहेली को बोलो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। प्रॉब्लम? ऐसी प्रॉब्लम कि लड़के को लड़की से हमदर्दी हो जाए। एक बार हमदर्दी हो गई तो 100 में से 90 मौकों पर हमदर्दी प्यार में बदल जाती है। और बाकी 10 मौकों पर? वेरी सिंपल, शादी। Yeah!
अरे क्या बच्चों की तरह चीख रही हो, अभी देखना दो मिनट में छलांगे लगाने लगोगी। और याद रखना, आगे से बैल को अपने पीछे नहीं आगे भगाना। पर रोहित, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। नो प्रॉब्लम, लड़कियों का दिल अक्सर उनके घुटनों में होता है, इतनी जल्दी नहीं होगा। रोहित। हेलो साहब, मैं डमरू, जरा रामनाथ को फोन देना, मुझे इंक्वायरी करनी है। अरे बेवकूफ, मैंने तेरे लिए फोन नहीं किया, मुझे काजल से बात करनी है। काजल? हेलो। हेलो बड़े पापा। कैसी हो बेटा? हम बिस्तर में हैं। हाँ? क्या हुआ? हम गिर गए थे बड़े पापा। कहाँ? कैसे? करण कहाँ था? बुलाओ उसे। बड़े पापा हम ठीक हैं, हमारी गलती थी। Don't worry, I'm fine. हाँ बेटा, तुम्हारा वहाँ दिल लग गया है ना? लग रहा है बड़े पापा, हमने तो यहाँ एक दोस्त भी बना लिया। अच्छा अच्छा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा ख्याल रखता है कि नहीं? बहुत ख्याल रखता है बड़े पापा। तुम्हें पसंद है? हाँ बड़े पापा, पर बोलता तो बहुत कम है, हंसता तो बिल्कुल नहीं। बेटा तुम तो पत्थर में भी जान डाल सकती हो, उसे हंसना भी सिखा दो। सिखा देंगे बड़े पापा, सब सिखा देंगे, आप भरोसा रखिए। हंसना बोलना तो क्या, उसे नाचना गाना भी सिखा देंगे। पर आप कब आ रहे बड़े पापा, हमें जरूरी बात करनी है। हाँ तो फोन पर बोलो ना बेटा। फोन पर नहीं बड़े पापा, हमें शर्म आती है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है मैं आऊंगा। बाय। हल्दी वाला दूध पी लो, ठीक हो जाओगे। मुझे यार ऑनलाइन बिट्टू प्लीज जिद मत करो। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ। अच्छा बाय रोहित। गेट वेल सून। करण मेरे साथ चलो, कुछ दवाइयाँ देनी है। यार करण तुम्हें लड़कियां समझ में आती है? मैं कुछ समझा नहीं। कमाल है लड़कियों का, कहती कुछ है मतलब कुछ और होता है, पूछती कुछ है सुनना कुछ और चाहती है। मैं कई लड़कियों के दिल खोल के देख चुका हूँ, लगते सब नॉर्मल है मगर होते नहीं। मुझे इस मामले में कोई तजुर्बा नहीं। लकी चैप। बीवी जी, लगता है आप पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, लाइए मैं आपकी नजर उतार देती हूँ। इस रोग का कोई इलाज नहीं धन्नो। हाय रे हाय सत्की जवान, कौन खुश नसीब है वो जिसने मेरी जान बचाकर मेरी जान ले ली। सच्ची? तो फिर मैं आपको कल चूड़ियों वाले मंदिर में ले चलूंगी। कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियां धन्नो। बीबी जी, ये तो मुरादों वाली चूड़ियां हैं, इस मंदिर की यही तो महानता है। कोई लड़की अपने पसंद की चूड़ियां लेकर देवी के चरणों से पवित्र करके पहने और जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उन चूड़ियों को छू ले तो समझो चट मंगनी पट ब्याह। हमें चूड़ियां चाहिए धन्नो। कौन से रंग की दूं? सभी रंगों की। बिट्टू ये प्रसाद सबको बांट दो जी। बैरू सिंह जल्दी करो यार, बहुत भूख लग रही है। रोहित ये प्रसाद है, खाना नहीं। सेम थिंग काजल। करण ले लो यार, ये प्रसाद समझ के दे रही है, तुम मिठाई समझ के खा लो, सिंपल। Yeah.
झुक गए क्यों नैना कजरा रे मर गई हाय मैं शर्म के मारे चुप से प्यार के जादू चल गए हम दोनों के नाम बदल गए बन गई तू सबके जहाँ बीवी जी करेगा जरूर करेगा आप भगवान का नाम लेके एक से बारह तक एक ही सांस में बोल दीजिएगा अगर बारह खत्म होने से पहले उसने मुड़कर देख लिया तो समझ लीजिएगा सबके जवान सच्ची ठीक है एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह सवा ग्यारह साढ़े ग्यारह पौने बारह पाजी पलट के देख दे तो पूरी के बारह बज जाएंगे काजल अभी तक जिंदा है क्यों इसे मैं उसकी खुशकिस्मती समझूं या तुम्हारी नाकामयाबी मुझे सही मौके का इंतजार है मैं और इंतजार नहीं कर सकता उसका कल कभी नहीं आना चाहिए ये सुंदर अगर भी कमाल की जगह है यहाँ हर जगह कोने को पॉइंट है कहीं पे सनसेट पॉइंट है कहीं तो लो पॉइंट है और डमरू में अरे तू तो सुसाइड पॉइंट है बीबी जी धन्नो ये किसकी आवाज है ये महुआ की आवाज है बीबी जी महुआ इस पार की लड़की महुआ जिसे उस पार की लड़की से प्यार हो गया था मगर दोनों गांव में दुश्मनी थी गांव वालों को उनका प्यार कबूल नहीं था एक रात जब महुआ अपने आशिक से मिलने उस पार पहुंची तो गांव वालों ने उसे मार डाला वो रोती रही मुझे कुवारा नहीं मरना एक बार अपनी मांग में अपने आशिक के नाम का सिंदूर भर लो दिल चाहे मार डालना मगर जालिमों ने एक ना सुनी फिर लड़के ने जब अपनी महुआ की लाश को देखा तो वहीं पे चीखा और ढेर हो गया उसके बाद दोनों की मजारें यहां बना दी गई कहते हैं आज भी इन वादियों में महुआ की आवाज गूंजती रहती है प्यार करने वालों का ऐसा अंजाम धन्नो हम इन मजारों को देखना चाहते हैं सत के जवान निकलिया तोता में देखो किंज खिलौता में तू डर गई आ जाओ डराता हूं मैं सच्ची जा जा Thank you.
हाथ दिखाओ। मेरी जान बचाना तुम्हारी बहादुरी थी, लेकिन जख्म को जख्म नहीं समझना बहादुरी नहीं बेवकूफी होती है। तुम्हें पता है कभी कभी छोटे से छोटे जख्म भी वक्त पर न इलाज करने से नासूर बन जाते हैं, जान भी जा सकती है। अब तुम सोचोगे तुम्हारी जान गई तो मुझे क्या, एक बॉडीगार्ड जाएगा दूसरा आएगा, और अगर तुम ये समझते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में मुझे नहीं मिलेगा, और मुझे चाहिए भी नहीं, तुम काफी हो। हाँ काजल, ये खेलने की चीज नहीं है, जान जा सकती है। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम मेरी जान लेने आए हो। तुम कहना क्या चाहती हो? वही सच जो दिन रात तुम्हारी आंखों में देखती हूँ, वो सच जो तुम कहना चाहते हो मगर कह नहीं पाते। कौन सा सच? यही कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा मेरी जान प्यारी है। इसी सच ने तो मेरी जान ले ली करण, और मैं मर गई। तुम पागल हो गई हो। तुम कातिल, मैं पागल, जोड़ी अच्छी रहेगी ना? मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। अब कोई वापसी नहीं करण, मैं यहाँ मवा की मजार पर यही कसम खाने आई थी तुम्हारे सामने कि हमारे प्यार का अंजाम ये मजारे नहीं विवाह की वेदी होगी। शादी के बाद मैं मर जाऊं तो
सहन नहीं कर सकता। ये धोखा है। काम है। अगर ये काम है, सपना है, तो मुझे इसे लड़ने की जरूरत क्या है? मेरे अंदर कौन है जो मेरे खिलाफ बगावत कर रहा है? मेरा दिल ही मेरा दुश्मन क्यों बनता जा रहा है? क्यों? मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। वो मुझसे नफरत करने लगेगी, तभी तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। सब कुछ बता दूंगा मैं, सब कुछ। मैं तुम्हारी जान का सौदा कर चुका हूं। मैं यहां तुम्हारी हत्या करने आया था। करण, तुम भी जाग रहे हो? हमें भी नींद नहीं आई। शायद इसी को प्यार कहते हैं, है ना? काजल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पहले पसीना तो पोंछ लो। लगता है किसी से लड़ रहे हो। मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझती हो। हम जानते हैं। क्या जानती हो तुम? प्यार सब बता देता है। नहीं काजल, नहीं। ये नहीं भी प्यार है। काजल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये मजबूरी भी प्यार है। ये, इसे पढ़ लेना। मैंने इसमें अपनी सारी असलियत लिख दी है। हमने तुम्हारी आंखें पढ़ ली, हमें अब कुछ नहीं पढ़ना। काजल, असली करण इस कागज में है। करण हमारे दिल में है। अब तुम भी कबूल कर लो करण कि तुम्हें हमसे प्यार है। मुझे जो कबूल करना है वो सब इस कागज में दर्ज है। हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। अगर कबूल नहीं कर सकते हो कि तुम हमसे प्यार करते हो, तो लो, हमने ये कागज फाड़ दिया। अब तो तुम्हें अपने मुंह से कबूल करना ही पड़ेगा। नहीं करता। तुम्हारे इनकार में इतना जुनून है, तो इकरार का आलम क्या हो? तुम यहां से चली जाओ काजल। कहां कहां से निकालोगे हमें करण? सीने में जिस रफ्तार से गोली उतरती है, उससे ज्यादा रफ्तार से प्यार। मुझे नफरत है प्यार से। ये नफरत भी प्यार है। ये नफरत भी प्यार है। जैसे ग्रंथ की रचना की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। करण, तुम भी आ। हाथ आगे बढ़ा। अरे बंधवा लो यार, कोई हथकड़ी थोड़ी है। हाँ पुत्र, ये तो हथकड़ी से भी ज्यादा मजबूत चीज हैगी। हथकड़ी नू तुसी चाबी नाल खोल सकते हो। इसकी कोई चाबी ही नहीं। एक दफा बांध दिया ना तो बंद गए। ये मौली भी कितनी प्यारी चीज है। देखने में तो सिर्फ एक रंगीन धागा है, लेकिन इसमें कितनी दुआएं, कितनी मिन्नतें, कितनी शक्ति बंधी है। जिसके हाथ में बन जाए उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता, और उसके हाथों से भी कभी अमंगल नहीं हो सकता। देखा काजल, अपने देश में हर चीज का मीनिंग है। जो अपने आप से लड़ता है वो हमेशा हार जाता है। तुम ये जंग हार चुके हो करण। नहीं, हरगिज नहीं। तुम अपने आप से झूठ बोल सकते हो करण, हमसे नहीं। ये झूठ नहीं, सच है। Look at me, हमारी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं। बोलो करण। काजल, मैं कुछ नहीं जानता। जो तुम नहीं जानते हमारी चूड़ियां जानती है, तुम्हारे सिवा सारी कायनात जानती है। तुम्हें हमसे प्यार है। नहीं, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। फिर ये कौन है
जो तुम्हारी आंखों से हम पर हल्की हल्की बुहार की तरह बरस रहा है, फिर ये कौन है जो हमें देखकर तुम्हारे रोम रोम में किरण की तरह फूट रहा है, फिर ये कौन है जो हमें छूने के लिए तुम्हारी उंगलियों में तड़प रहा है। वो जो भी है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। जिसे तुम खत्म करना चाहते हो वो तुमसे बहुत बड़ा है करण, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। उसने पहाड़ों को चीर कर दूध के दरिया निकाले, उसने तपते रेगिस्तान को अपने नंगे पैरों का महरम बनाया, उससे टकरा कर पत्थर भी टूट गए। वो आशिक है करण, आशिक। मुझे नफरत है उससे। क्योंकि तुम्हें प्यार है हमसे। कबूल कर लो करण कि तुम हमसे प्यार करते हो। मर जाऊंगा लेकिन कबूल नहीं करूंगा। ऐसी कसम मत लो जो तुम निभा ना सको। टूट जाऊंगा लेकिन कसम नहीं तोड़ूंगा। तो हमें भी इस नदी की कसम हम तुमसे कबूल करवा कर रहेंगे। ये सोनी महिवाल की नदी है, प्रेमियों के लिए इसका जल गंगा जल से भी पवित्र है। आज इस जल को हम अपनी हथेली में उठाकर सौगंध खाते हैं। अगर हमारी हथेली का जल गिर जाने तक तुमने कबूल नहीं किया तो हम समझेंगे हमारा प्यार झूठा है। हम इस नदी में कूद कर अपनी जान दे देंगे। इस जल की एक एक बूंद में हमने अपनी एक एक सांस रख दी है और जब तक ये जल हमारी हथेली पर है हमारी जान हथेली पर है। I'm not afraid to die.
खंजर मेरे सीने में हत्यारा आशिक हो गया। नहीं नागेंद्र नहीं, अब काजल की मौत एक हादसा नहीं, इंतकाम होगा, इंतकाम। कालू, ओ कालू, तेरे को दूध निकालने के वास्ते बोला था। दन्नो, दन्नो। अच्छा दन्नो दूध निकाल रही है। अंदर दन्नो, इसके अंदर दन्नो। जी बापू। तू अंदर क्या कर रही है? वो क्या है ना बापू, मेरी सुई है ना, सुई वो गुम हो गई है। सुई गुम हो गई है? कमाल चुट्ठी लड़की है, इसकी चीजें जब से काला भूत आया बहुत गुम होने लगी हैं। कभी इसकी सुई गुम हो जाती है, कभी इसकी चोली गुम हो जाती है, कभी पांव की पायल गुम हो जाती है। आपा जी बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, इसकी तो चीजें गुम होती है, वो तो चार चार रात खुद ही गुम हो जाती थी, सुई गुम हो गई है। जंग लगी हुई बिगड़ी मशीन, हमारे अच्छे कार्य में बाधा डालता है। हाँ। साले हराम जादे, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अबे कबाब में की फ्रैक्चर हड्डी, सड़ा हुआ टेप रिकॉर्डर, ये तेरा असली बाप है क्या? हाँ। मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता, इसको तो बाद में निपटता, तू अंदर आजा, आजा, आजा। उसकी आंखों में एक आशिक का जुनून है, उसे मौत का भी खौफ नहीं, वो अपनी जान देकर भी काजल की हिफाजत करेगा। हमें करण से भी ज्यादा बेरहम कातिल चाहिए। जीजाजी, दिलावर सरहद पार का आतंकवादी है, उसके राशन कार्ड में इतने कत्ल, इतने डाके, इतने रेप के केस दर्ज हैं कि उसे आदमी नहीं किलिंग मशीन कहते हैं। दिलावर, मौत और दिलावर बताकर नहीं आते, काम काजल की मौत कीमत जो तुम चाहो। जीजा जी करण वो भी मरेगा।
कल पानी का रेला है, जाने क्या ले जाएगा, जाने क्या दे जाएगा, चल ओ ढोली ढोल बजा, कब क्या होगा किसे पता। क्या हुआ? जल्दी चलिए भाई साहब, यहाँ अनर्थ हो गया है। अरे पर क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। काजल मेले में गई थी, वहाँ गोलियां चल गई। गोलियां चली? मेरी मेरी काजल ठीक तो है? काजल का कहीं पता नहीं चल रहा है भाई, वो भी लापता है। वो भी लापता है? हाँ, तुम हौसला रखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ। काजल लापता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये काम आतंकवादियों का लगता है रोशन लाल जी, लेकिन हम यकीन के साथ कुछ कह नहीं सकते। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने दोस्त नूं? ये काजल नूं कुछ हो गया तो? काजल को कुछ नहीं होगा दादू, काजल तो मासूम है और मासूम की तो भगवान रक्षा करता है। सारे पिछले कर्मों का दाह संस्कार कर दिया। हत्यारे के हाथ? ये तुम क्या कह रहे हो कर? कैदल की सब झूठ है। यही सच है, यही मेरी असलियत है। अगर आज ना कह पाया तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। मैं तुम्हारी हत्या करने आया था। नहीं, रखवाला कातिल नहीं हो सकता। वो एक फरेब था, तुम्हारे करीब पहुंचने का असली मकसद तुम्हें कत्ल करना था। क्यों करण, क्यों? हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? ना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थी, ना तुम्हारी मुझसे। पैसे लिए थे मैंने। हमें यकीन नहीं होता
हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता। आखिर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत जिंदगी जब सब रास्ते बंद कर देती है तो किसी भी क्यों का जवाब नहीं रहता। जिंदगी ने मेरे लिए भी सब रास्ते बंद कर दिए थे। ए, मिस्टर, आप बीसवीं क्यों पढ़ते हैं? ये माँ है मेरी। देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इन्हें यहाँ रखते हैं तो दूसरों की जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। इन्हें छूत का भयंकर रोग लग चुका है। इनकी सेहत के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए इन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी है। अच्छा होगा आप इनसे अलग ही रहें, वरना आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ये जिंदगी भी तो इसी की है। मेरी दुनिया मेरी माँ से ही शुरू होती और मेरी माँ पर ही खत्म हो जाती। मेरी परवरिश के लिए वो अकेली औरत सारी दुनिया से लड़ती रही, मुझे दूध पिलाती रही और खुद जख्मों का जहर पीती रही। मेरी उम्र उसके चेहरे पर झुर्रियाँ बनती गई। वो मेरे लिए बड़ी बड़ी किताबें लाती ताकि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकूँ। लेकिन उन किताबों को खरीदने के लिए वो हर तकलीफ हर मुसीबत बर्दाश्त करती रही। न जाने कब से बीमार थी, लेकिन उसने मुझे कभी पता नहीं चलने दिया। कहीं कोई ईश्वर था जिसे सब पता था, जो ये सब देख रहा था फिर भी चुप था। धीरे धीरे जख्म नासूर बन गए और ईश्वर देखता था। माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा, मुझे मार क्यों नहीं डालता भगवान? ऐसा मत बोल माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे। भाई साहब डॉक्टर साहब कब आएंगे? मेरे को नहीं मालूम। सिस्टर, क्या है? सिस्टर, मेरी माँ बहुत तकलीफ में। इतना तकलीफ का ख्याल है तो सरकारी अस्पताल में क्यों लेकर आए? मेरा गला खोल दे, मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुझे भी। मेरी माँ, मार डाल। मेरी माँ मुझसे बहुत मांग रही थी, ना मैं उसे बहुत दे सकता था ना हराम। उनको जो बीमारी लग चुकी है उसका इलाज बहुत महंगा है। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो वो इंजेक्शन ले आओ जिससे तुम्हारी माँ के दर्द को छुटकारा मिल सके। इंजेक्शन मेरी माँ की जान बचा सकते थे, लेकिन इंजेक्शनों के लिए चाहिए था पैसा, बहुत सारा और बहुत जल्द, जो ना तो तुम्हारे बड़े पापा की नौकरी दे सकती थी और ना ही मेरे आदर्श। इधर दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और जिस दिन दर्द बर्दाश्त की उस हद से गुजर गया जिसे माँ कहते हैं, मेरा ईश्वर मर गया। और जब मेरा ईश्वर मर गया तो मुझ पर इंसान बनने की जिम्मेदारी भी नहीं रही, और मैंने अपने आदर्श, अपनी इंसानियत, अपना ईमान बेचकर तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी जान का सौदा कर लिया। मैं तुम्हारी मौत बनकर आया था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी बन गई। मैंने कातिल को मार दिया काजल, मैंने कातिल को मार दिया। अब सिर्फ करण है जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत। मैं तुम्हारे दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। तुम्हें जिसे खत्म करना था तुम कर चुके, अब तुम किसी को भी नहीं खत्म करोगे, किसी को नहीं। हम दोनों बड़े पापा के पास जाएंगे, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। बड़े पापा को अपने दुश्मनों से निपटना आता है करण। ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि दिया चलाक, किसी ने तुम्हें पत्थर से देवी बनाया। ये दिया मेरे करण की सांस है माँ, ये दिया बुझ गया तो मेरी आस बुझ जाएगी।
काजल, 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 काजल। करण, तुम ठीक हो करण, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। ये तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हारे प्यार की मेहंदी अपने हाथों में रचा ली। बच्ची को कुछ नहीं होगा। करण का कुछ पता चला? ना। मेले के बाद उसका भी कुछ पता नहीं चला। हो सकता है काजल को बचाने के लिए उसके पीछे गया हो। वैसे पुलिस छानबीन कर रही है। भैरव सिंह करण को रखा कहां था? वहां आउट हाउस में रखा था जी। एक मिनट। बच्ची और कातिल के हाथ में। काजल, काजल पुलिस। रुक जाओ। आप लोग हमें ही ढूंढ रहे थे ना? प्लीज हमें मेरे बड़े पापा के पास पहुंचा दीजिए। बैठ जाइए। फैंटास्टिक। काजल, काजल, सवाले करूंगा विषय पर। टेक गो। काजल,
हमने इसी जगह पर आखिरी बार करण को देखा था। हमारे आदमी ने उस पर गोलियां भी चलाई मगर वो भाग निकला। और मेरी बेटी काजल? काजल तो उसके साथ नहीं थी सर। सर क्या है? हरिपुर इलाके के जंगल में एक लड़की की लाश मिली। कहाँ है? सर लाश उस तरफ है। नहीं, मेरी काजल जिंदा है, मेरी काजल जिंदा है, मेरी काजल जिंदा है। सर यहाँ से तराई के जंगल शुरू हो जाते हैं और बीच में ये सतलुज दरिया, चारों तरफ खतरा ही खतरा है और ऊपर से जंगली जानवर। मुझे तो फिक्र उस जानवर की है जिसकी जकड़ में मेरी बच्ची है। मैं अपनी बच्ची की तलाश में खुद जाऊँ। गई है हमारी बच्ची को। हमने जैसे सुना कि वो कमीना बॉडीगार्ड हमारी बच्ची को अगवा करके ले गया है तो हमसे निवाला गले से नहीं उतरा। न जाने कौन सी अशोक गाड़ी में वो बॉडीगार्ड को रखा था भाई साहब ने। भगवान जाने वो हमारी फूल जैसी बच्ची के साथ क्या क्या कर रहा होगा ना स्वीटा। तू फिक्र मत कर बहना, एक बार वो हराम ज्यादा मिल जाए तो बड़े जीजा जी उसको देखते ही गोली से उड़ा देंगे। ऐसा ना हो हम खो जाएं।
दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं। इश्क के दरिया में बस डूब गए सारे। पर जाएंगे भी हम बाहर की दुनिया याद करे, कर जाए इसे हम बाहर की दुनिया याद करे। यूं जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे। प्यार में सारी दुनिया को भूल के दो चार पल तेरी बाहों में झूल के कर ले बातें दो चार के दुनिया याद करे। कर ले बातें दो चार के दुनिया याद करे। यूं जिए मरेंगे यार के दुनिया याद करे। हम ऐसे करें बड़े पापा के पास। नहीं बड़े पापा नहीं। हट जा तू सामने से काजल। गोली मत चलाइए बड़े पापा। मैं कहता हूँ हट जा। गोली चलानी है तो चलाइए कमिश्नर साहब, मैं मौत से भागने वालों में से नहीं हूँ। बड़े पापा से बख्श दीजिए, इसने कुछ नहीं किया बड़े पापा। ये मुजरिम है और सूर्य देव सिंह ने आज तक किसी मुजरिम को नहीं बख्शा। मैं मुजरिम हूँ कमिश्नर साहब, ये जानते हुए कि आपका कहर मुझे जीने नहीं देगा मैंने ये जुर्म किया है। ये भी जानते हुए कि भागने के लिए मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है मैंने ये जुर्म किया है। और मेरा जुर्म मेरी मोहब्बत है। नहीं, तेरे जुर्म की सजा सिर्फ मौत है। मौत के साथ सिर्फ जिंदगी खत्म होती है, मोहब्बत नहीं। इसकी मौत आपकी भी शिकस्त होगी बड़े पापा, क्योंकि अब आपकी जान इसकी भी जान है। ये तू क्या कह रही है मेरी बच्ची, तू पागल तो नहीं हो गई है? तू भी दुश्मन की बातों में आ गई। कमिश्नर साहब, आज मैं आपको बताता हूं कि दुश्मन कौन है। दुश्मन को तो आज मैं मिटा दूंगा। रुक जाओ काजल, काजल रुक जाओ, रुक जाओ काजल, रुक जाओ। काजल को वो ले गया और बड़े जीजाजी को छोड़ दे गया। आप ही तो उसे रखवाला बनाकर लाए थे ना भाई साहब। जिंदगी में पहली बार सूर्य देव सिंह ने धोखा खाया है। एक बार वो मेरे हत्थे चढ़ जाए, मैं उसकी रग रग से उगलवा लूंगा कि किसके कहने पर वो मेरी बच्ची को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। क्या होता जीजाजी अगर करण सूर्यदेव सिंह के हत्थे लग जाता और बता देता कि काजल के कत्ल के पीछे हम लोगों की साजिश है। सूर्यदेव सिंह हम लोगों को नहीं छोड़ता, आप बर्बाद हो जाते, आपका सत्यानाश हो जाता, आपकी सारी उम्मीदों में पानी फिर जाता जीजाजी। सूर्य देव सिंह पहले आपकी फिर हमारी
छोटी छोटी बोटियां करके कुत्तों को खिला देता। जीजाजी ये सोचकर मेरी खड़े खड़े पनवारी, जब औरत बाजी खेलती है तो उसके हाथ में जितने पत्ते होते हैं ना, उतने ही उसकी आस्तीन में। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, करण की माँ। जय जय, वाह दीदी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। आप कह रही थी ना कि मेरे बेटे ने मुझे बुलाया है, कहाँ है करण? आपका बेटा जहाँ भी होगा यहीं आएगा, जरूर आएगा, जिंदा या मुर्दा। क्या क्या किया है मेरे बच्चे ने? उसे कोई कोई गलती हो गई कैसा? वो तो बच्चा है, अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके तरफ से माफी मांगती हूँ साहब। उसे माफ कर दीजिए, लेकिन उसे कुछ मत करिएगा। देखिए साहब, आप लोग तो बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग, लेकिन वो तो अभागा है बेचारा। मेरी कोख की बदनसी भी जिंदगी भर साए की तरह उसके साथ रही। नहीं साहब, बख्श दीजिए, मेरे बच्चे को कुछ मत करिए। आपको चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन लेकिन मेरे बच्चे को बख्श दीजिए। नागेंद्र, काजल, ये दरिया हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा, फिर कोई खतरा नहीं। चलो हवाले कर दे करण, किसी कीमत पर नहीं। हमारे खिलाफ तेरी ये बगावत तेरी मां की मौत की वजह बन सकती है, वो हमारे कब्जे में है। देखा काजल, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन है। इतना बड़ा धोखा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। चलो करण, हम बड़े पापा को सब कुछ बता देंगे। नहीं काजल, मेरी माँ उन हथियारों के कब्जे में है। जब तक मैं अपनी माँ को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता, तब तक तुम्हें और मुझे अपनी जुबान को बंद रखना होगा और सीने पर पत्थर। पापा जी! हाय हाय, किसने किया ये हाल मेरे लाल का? कितना सारा खून, मेरे फूल जैसे बच्चे पर इतने सारे जख्म। नागेंद्र, करण, पापा जी। हराम जादी, मैं तेरी जान ले लूंगी और डालूंगी तुझे। तेरे बेटे ने मेरे बेटे का ये हाल बना दिया। हाँ, एक एक जख्म के बदले 100-100 जख्म लगाऊंगी तेरे बेटे पर। ना ना, इसका बेटा आएगा तो उसकी आंखों के सामने इसके दोनों हाथ काट देंगे, घुटने तोड़कर इसे अपाहिज बना देंगे, गली के कुचले हुए कुत्ते जैसा हाल कर देंगे इसका। इतना तड़पाएंगे कि इसका बेटा इसकी मौत की भीख मांगेगा। तुम मेरे करण को नहीं जानते। अगर उसने मेरे जिस्म पर एक भी खरोच देख ली तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। उसके खौफ से मौत भी तुम्हें पनाह देने से इनकार कर देगी। इसे बस मरने मत देना,
बाकी जुबान खुलवाने के लिए जो चाहो कर सकते हो। के गहने होते हैं काजल, इन्हें उतार कर फेंक दो। हम तुम्हें सालत में नहीं देख सकते करण, तुम बोल क्यों नहीं देते? मेरे जख्मों को सुबान नहीं है। क्यों ये सब सह रहे हो? ये सब सहते रहोगे? सहना पड़ेगा काजल, सहना तो पड़ेगा। मेरा बयान मेरी माँ की मौत का फरमान बन सकता है। मेरी माँ की जिंदगी से ही मेरी जिंदगी है, और माँ की जिंदगी के लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी भी देनी पड़े ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना कर, तुम्हारी कसम मैं अपनी नहीं पगली। ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी इम्तिहान है। मेरी तड़प देखकर तुम टकमगा मत जाना। हम दोनों की खामोशी में ही मां की जिंदगी है। बस एक बार मैं इन सलाखों के बाहर हो जाऊं और अपनी मां को बचा लूं, फिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, सारी दुनिया से। तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? चलो। बड़े पापा, करण बड़े पापा। काजल! गम जरूरी है मोहब्बत के फसाने के लिए, दिल है आने के लिए और जान जान के लिए। जान गई दिल आया, शीशा पत्थर से टकराया। जान गई दिल आया, शीशा पत्थर से टकराया, शीशा टूट गया, शीशा टूट गया। जान गई दिल आया, शीशा पत्थर से किया, दुख पाया, शीशा पत्थर से टकराया। प्यार किया, दुख पाया, शीशा पत्थर से टकराया, पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया। जान गई दिल आया। दवा बोलो, सिद्ध नहीं करते। पाया, शीशा पत्थर से
वो मर जाएगी भाई साहब। तो क्या मैं उसे जीते जी आग में झोंक दूं? आग में तो जल रही है भाई साहब। वो पागल हो गई है रुक्मिणी, अंधी हो गई है वो। उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके चंद दिनों का जुनून उसकी सारी जिंदगी को तबाह करके रख देगा। उसकी जिंदगी करण है, ये आप भी नहीं देख पा रहे हैं। तुम काजल की पैरवी करने आई हो या मुझे नसीहत देने? मैं पुलिस कमिश्नर सूर्यदेव सिंह ने काजल के बड़े पापा और अपने भाई साहब को ढूंढने आई हूँ। काजल की एक सिसकी से हवेली की बुनियादें हिल जाती थी। उसकी हर एक फरमाइश आपके लिए हुक्म हुआ करती थी और आज उसके आंसुओं का सैलाब आपके कलेजे पर दस्तक दे रहा है और आप खामोश हैं। आंसू दलील नहीं होते रुक्मिणी। अगर इसी तरह औलाद के आंसुओं से पिघलकर हर माँ बाप अपनी औलाद की बेलगाम जिद के सामने अपना सर झुकाने लगे तो हम सिर्फ एक आवारा नस्ल पैदा करने में कामयाब होंगे, जिम्मेदार इंसान नहीं। काजल आपका खून है भाई साहब, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपने उसे समझा ही नहीं। अपने खून के साथ मुझे क्या सलूक करना है इसका सबक मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं। आपको जरा भी एहसास नहीं कि करण पर पड़ने वाली हर चोट काजल के टुकड़े टुकड़े कर रही है और काजल टूट जाएगी तो आप भी साबुत नहीं बचेंगे। पहाड़ों को टूटने का खौफ नहीं होता। जी हाँ, शायद इसलिए पहाड़ों को औलाद नहीं होती। रुक्मिणी, तुम अपनी हैसियत से बाहर जा रही हो। अपने मुकाम को पहचानो और अपनी जबान को लगाम दो। इस घर में तुम्हारे लिए सिर्फ फर्ज है, हक नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं इस घर की एक नौकरानी हूं। ये भी भूल गई थी कि नौकरों का कोई रिश्ता नहीं होता। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैं 18 साल इस घर में नौकरी करती रही मगर कभी अपना मुआवजा नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ ठाकुर साहब, आज मैं अपना हक मांगती हूँ। काजल का प्यार मेरी झोली में डाल दीजिए। तारीफ बदल सकती है रुपनी, लेकिन काजल की किस्मत एक मुजरिम के हाथों कभी नहीं रखी जाएगी, कभी नहीं। आप भी सुन लीजिए ठाकुर साहब, अगर काजल के किस्मत में एक मुजरिम है तो आप उसके किस्मत बदल नहीं सकते। और मैं क्या हवलदार, काजल जैसे तेरी बच्ची वैसे मेरी बच्ची, रोहित जैसे मेरा बच्चा वैसे तेरा बच्चा। इन आंसुओं को तू काजल की विदाई के लिए बचा के रख। रोशनलाल, तूने मेरी लाज रख ली यार। लो और सुन लो। अरे दोस्ती में लाज वाज नहीं होती, अब तू जा और शादी की तैयारी कर। एक बार रोहित से पूछ लेता। पूछ लो। रोहित, तुझे कोई एतराज तो नहीं है? भला मुझे क्या एतराज हो सकता है दादू, दोस्त अगर हम सफर बन जाए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। हम ये शादी नहीं करेंगे। मैं वचन देकर आया हूँ। आप अपनी मजबूरी को हमारी मर्जी नहीं बना सकते बड़े पापा। काजल, मैं तेरी आंखों में बगावत देख रहा हूँ। ये बगावत आपके उसूलों की मेहरबानी है, ये बगावत हमने आपकी कैद से कमाई है। बड़े बड़े अल्फाज बोलने लगी है, लगता है मेरी बच्ची बड़ी हो गई है। जब बड़े बड़े न रहे तो बच्चों को बड़ा बनना पड़ता है बड़े पापा। चंद ही दिनों में उस हरामखोर ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? वो जादू प्यार है, जिसे समझने के लिए उसूलों की बुलंदियों से नीचे उतरकर अपनी औलाद के दिल में झांकना पड़ता है। तो क्या आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी एक एक रात आंखों में काट दी थी ताकि एक दिन मेरा ही खून मेरी आंखों से टपकने लगे? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे और बहू की मौत के बाद भी जिंदा रहने की हिम्मत की? मुझे अच्छी तरह से याद है वो मनहूस रात जब मुझे मेरी बर्बादी की खबर मिली थी कि दुश्मनों ने मेरे अरुण और गीता को जहर दे दिया है। अरुण!
पिताजी, पिताजी, अरुण, अरुण, अरुण बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, पिताजी वो, बोलो क्या, पिताजी क्या हुआ, अरुण, 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 बाबूजी, गीता, बाबूजी, गीता, अभी सुनिए क्या हुआ? सॉरी, हम माँ को तो नहीं बचा पाए, लेकिन ये आपकी पोती मैंने अपने आंसुओं को तेरी मुस्कुराहटों से पोंछ दिया। मेरे अरुण और गीता की मौत के बाद मेरी एक दुनिया खत्म हो गई थी, लेकिन तेरे नन्हे नन्हे हाथों के सहारे मैंने एक नई दुनिया, नई जिंदगी शुरू की, और आज उन्हीं हाथों ने मेरे मुंह पर कालक पोत दी। जिन दूध मुए होठों को मैंने बोलना सिखाया था, उन्हीं होठों ने मेरे खिलाफ बगावत की आवाज उठाई। अरुण और गीता के साथ मैं भी खत्म हो गया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़े पापा, मैं आज एहसास हुआ कि हमें एक मुस्कान देने के लिए अपने कितने ही आंसुओं के समंदर पा दिए। हम तो ये भूल ही गए थे कि आपकी जिंदगी हमसे शुरू होती और हम पूरी खत्म होती है। आपकी खुशी के लिए विवाह की वेदी तो की, हम सूली पे भी चढ़ जाएंगे। बड़े पापा, आप जिससे कहेंगे हम उससे शादी करने को तैयार है। हमारी एक फरियाद है बड़े पापा, इसे हमारी शर्त मत समझिए। कन्यादान की तरह इसी भी एक दान समझकर हमारे आंचल में डाल दीजिए। बोल, क्या चाहिए तुझे? करण की रिहाई। ये नामुमकिन है। करण बेकसूर है बड़े पापा, चाहे आपको इसका यकीन हो या नहीं, हमें है। करण की रिहाई हमारी पिताई है। आपकी चौखट से हम फिर कभी कुछ नहीं मांगेंगे बड़े पापा, कुछ नहीं। ये रास्ता तुझे गुमनामी के उन अंधेरों तक ले जाएगा जहां से तू कभी भी लौट नहीं सकेगा। वो अंधेरे ही तेरी आखिरी पना होंगे। जा, अपने मनहूस साये के साथ सरहद पार कर जा। मेरा साया काजल की परछाई है कमिश्नर साहब, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। शट अप। काजल का ख्याल भी तेरे लिए जुर्म है। तो खुश नसीब है कि तुझे जिंदगी मिल गई। दुआ करना कि फिर किसी रास्ते पर सूर्य देव सिंह से तेरी मुलाकात ना हो। मेरी मंजिल काजल है कमिश्नर साहब, मेरा हर रास्ता काजल तक पहुंचता है। करण को आप मौत के हवाले कर सकते हैं, लेकिन काजल से दूर नहीं। काजल किसी और की जिंदगी बनने जा रही है। काजल ने खुद तुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मुझे यकीन नहीं। तो जा, खुद अपनी आंखों से देख ले। जो कुछ कमिश्नर साहब कह रहे कह दो कि वो झूठ है। बोलो काजल, बोलो कि वो सब झूठ है। बोलो काजल, बोलो। हमने तो अपनी जान रख दी थी तुम्हारी हथेली पर, और तुमने इसे मेहंदी से बदल दिया। अरे अगर धड़कने ही छीनी थी
तो इस पत्थर को दिल क्यों दिया? धोखा दिया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। नमस्कार बहन जी, नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। राजरानी और बनवारी नहीं आए? देखिए ना, आजकल की बीवियां कैसी हैं। अभी अभी फोन आया था कि बनवारी के साथ वो ब्यूटी सलून गई हैं। अरे बेटे, हो क्या गया तुझे? यहाँ तो लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा। हाँ बिल्कुल दादू, एक बहुत ही इमरजेंसी केस आ गया, जैसे ही खत्म होता आता हूँ। अरे बेटे, मगर शादी भी तो इमरजेंसी केस है। आप एक काम कीजिए, पंडित को हर 5-5 मिनट में 100-100 रुपए का नोट देते रहिए, मैं जल्द पहुँचता हूँ। अरे सिंह, इतने कम फूल क्यों लाए हो भाई? वो हमारी फूल जैसी बच्ची की शादी है और हमें सारे शहर के फूल चाहिए। अजी, वो कमिश्नर साहब ने कहा था कि ओ कमिश्नर साहब ठहरे ना, वो हम भी तो काजल के छोटे दादा हैं। लो और फूल ले आओ और सारे मंडप को सजा दो, चलो। जी बहुत अच्छा। विशंबर को देख रही हो रुक्मिणी? भाई आखिर भाई होता है, कुछ दिखाई दे रहा है? आप तो खुश है ना? क्यों, मैं तुम्हें खुश नहीं दिखाई दे रहा हूं? शायद आप ये सोच रहे हैं कि रोहित के साथ काजल की शादी करके आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? तुम गलत सोच रही हो रुक्मिणी। सूर्यदेव अपने लिए गलती कर सकता है, काजल के लिए नहीं, क्योंकि काजल का भविष्य ही मेरा भविष्य है। और फिर रोहित एक ऐसा लड़का है जो काजल के बीते हुए घिनौने पलों को माफ कर देगा, वो काजल को बहुत खुश रखेगा। मैं बर्बाद हो गया यार। अरे पानी लाओ जल्दी। रोशन पानी लाओ। हटिए 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 रोशन। क्या हुआ यार? तेरे रोशन की रोशनी ले गए। क्या भाई साहब? भाई साहब, अभी अभी अस्पताल से फोन आया था कि रोहित को कुछ गुंडे अगवा करके ले गए। रोहित को? आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया है, मैंने बनवारी और नागिंदर को ढूंढने के लिए भेज दिया है। भाई साहब, हम ढूंढेंगे रोहित को, हम। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, हम उसे बचाने के लिए अपनी जान लगा देंगे। आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है भाई साहब, आप बैठिए। अपने आप को संभालिए भाई साहब। आखिर उस पिच्छू ने डंक मार ही दिया। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं भाई साहब, रोहित को अगवा करने में करण का ही हाथ हो सकता है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये कीड़ा था, ये कीड़ा था काजल की पसंद, ये कीड़ा था काजल की पसंद। वाह जीजा जी वाह, क्या प्लान बनाया है। नगेंद्र के हाथों रोहित को अगवा करवा दिया और इल्जाम लग गया करण पे। जय जय, इधर मैं रोहित की जिंदगी को मौत में बदल दूंगा और उधर तुम हर खुशी को मातम में बदल देना, एक ही झटके में सबका काम तमाम। आज हमारे खिलाफ सब सबूत खत्म। जय जय बनवारी। जय जय, बहुत अच्छे मौके पे आए। मेरी माँ कहाँ है बनवारी? नागिंदर, मिल लेना, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। नीचे कोठरी में एक आदमी बंद है जिसे खत्म करने में तुम्हें खुशी होगी। इस रिवॉल्वर के अंदर उस आदमी की मौत बंद है और तुम्हारी मां की जिंदगी। एक बार मैंने तुम्हारे साथ किसी की जान का सौदा किया था, दोबारा नहीं करूंगा। करोगे करोगे, बड़ी खुशी से करोगे। एक, तुम पर एक कत्ल उधार है। दो, अपनी मां की जिंदगी बचाने के लिए जब तुम एक सौदा कर सकते हो तो जय जय दूसरा भी कर सकते हो। नंबर तीन, आज सारे मोहरे हमारे हाथ में हैं। जय जय,
जीजा जी का सुंदर नगर हासिल करने का सपना जो आज से 18 साल पहले काजल के माँ बाप को जहर देकर मारने से शुरू हुआ था आज पूरा हो जाएगा। तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस अंधेरी कोठरी तक जाता है। जय जय। रोहित, करण, तुम, मुझे तुम्हारी जान लेने के लिए भेजा गया है। क्यों, किसने भेजा है तुम्हें? भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? उसी से जिसकी रचाई गई ये सारी साजिश है, विशंबर। विशंबर? हाँ, कमिश्नर साहब की आस्तीन का सांप, जिसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझसे काजल की हत्या करवानी चाही, और अब मेरी मां की जिंदगी के बदले मेरे हाथों तुम्हारी मौत चाहता है। क्या इत्तेफाक है, वहां काजल विवाह की वेदी पर मेरा इंतजार कर रही होगी और यहां मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं। काजल, आज काजल से मेरी शादी है। यानी कि मेरी मां की जिंदगी की कीमत काजल का सुहाग है। तो तुम मेरी जान ले लो करण, तुम मेरी फिक्र मत करो करण, काजल को सुहाग तो कोई और भी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मां कोई और नहीं मिलेगी। खत्म कर दो मुझे, मार डालो मुझे। जय जय। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मेरी मां को रिहा कर दो। मैंने झूठ बोला था, अब तू भी मरेगा और साथ में तेरी मां भी। ना करना ना। इसने एक ही गोली थी जो चल चुकी। ढूंढो साले को। सामने देखकर कैसा लगा? हाँ, यू बास्टर्ड। करण, बाहर निकल हरामजादे। तूने बहुत सी लाशें जलती हुई देखी होंगी, लेकिन आज अपनी मां को जिंदा जलते हुए देख। गाड़ी रोको करण भैया, करण भैया गाड़ी रोको।
मारे रखो। करण भैया तुम्हारी जान को खतरा है, पुलिस तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रही है, तुम पर रोहित भैया को अगवा करने का इल्जाम है। कमिश्नर साहब ने तुम्हें देखते गोली मारने का हुक्म जारी किया है, तुम्हें शहर छोड़कर चले जाओ। ये कलंक लेकर मैं ये शहर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ डमरू? मैं इस कलंक को मिटा कर ही रहूंगा, जब तक मैं लौट कर ना हूं मेरी माँ का ख्याल रखना। चलो रोहित। करण, करण घबरा मत माँ, तेरे करण को कुछ नहीं होगा। डीसी से कह दो कि मैंने सारे पुलिस स्टेशन में ऑर्डर इशू कर दिए हैं कि करण को देखते ही गोली मार दो। शूट एट साइट, इट इज माय ऑर्डर, शूट हिम, आई डोंट वांट टू सी हिम अलाइव। पुलिस उसे चारों तरफ घूम रही है, हम उसे देखते ही गोली मार देंगे। बास्टर्ड, क्या कर रहा है यार तू? अपनी बेटी की शादी के मंडप में खून बहाना चाहता है? थरी अंकल, मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ। मुझे गुंडों से करण ने बचाया अंकल, अगर आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ तो करण की वजह से। संभालिए अपने दामाद को बाबूजी, और पूरे कर लीजिए अपने बड़े बड़े अरमान। तेरा ये नाटक मैं अच्छी तरह से समझता हूँ हरामजादे। मैंने आपको बाबूजी के नाम से बुलाया है, हरामजादा तो नहीं कहा? कमाल है अंकल, एक तो करण ने मेरी जान बचाई और आप ऐसे गाली दे रहे हैं। तुम नहीं जानते रोहित, इसी तरह का नाटक इस कमीने ने मेरी काजल की जान बचाकर भी किया था। उस दिन तुम्हारी तरह मेरा विश्वास भी जीत लिया था इसने। ये गुंडा पैदाइशी मुजरिम है। कोई भी इंसान पैदाइशी मुजरिम नहीं होता साहब, या तो बनाया जाता है या फिर बन जाता है। लेकिन तुम जरूर पैदाइशी मुजरिम हो, मुझे यकीन है कि जो खून तुम्हारी रगों में बह रहा है वो दसवें दर्जे का गंदा खून है। कमिश्नर सूर्यदेव सिंह, मुझसे बात करो, मुझसे। मेरे बाप मेरी माँ का नाम मत लो, मेरे खून को ललकारने की कोशिश मत करो, वरना सर्वनाश होगा, सर्वनाश। देखा रोहित, गंदे कीड़े को छूते ही कैसे लपकता है वो डंक मारने को। इसे कहते हैं मुजरिम, पैदाइशी मुजरिम। हाँ, मैं मुजरिम हूँ, पैदाइशी मुजरिम, कीड़ा हूँ मैं। कमिश्नर साहब, मैं मुजरिम हूँ ना, और मैं यहाँ मक्कारी का नाटक करने आया हूँ। तो ठीक है, अब देखिए ये मुजरिम क्या करता है। ये शादी होगी और रोहित और काजल की ही होगी, और यहां इस मंडप में मेरे सामने होगी। पंडित जी, हवन पर बैठिए और रोहित और काजल की शादी करवाइए, अभी इसी वक्त। तुम पागल हो गए हो करण? हाँ, मैं पागल हो गया हूं, और ये पागल तुम्हें हुक्म देता है कि अभी इसी वक्त तुम मंडप में बैठ जाओ। क्यों अपनी जिंदगी से खेल रहे हो करण? चले जाओ यहां से। चला जाऊंगा काजल, लेकिन अब तक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जिंदा है, जो कब और कहां से वार करेगा कहां नहीं जा सकता। पर अब तो मैंने हथियार भी उठा लिया है, तो जब तक मैं तुम्हारा आखिरी दुश्मन तक ना मिटा दूं और तुम्हारी रोहित से शादी ना करा दूं, तब तक नहीं जाऊंगा। चाहे मौत का पैगाम भी आए, तब भी नहीं जाऊंगा। रोहित, काजल, मंडप में बैठो। सब खत्म हो गया। दीदी, नगेंद्र, पुलिस, जय जय।
पागल हो गया क्या? मैं पागल हो गया हूँ, पागल। सबको मार दूंगा। मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरा खानदान खत्म हो गया। हरामजादे, तू भी नहीं बचेगा। तुझे तो मैंने काजल को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन तूने मेरे खानदान को बर्बाद कर दिया। बोल, बोल के तूने ही काजल के माँ बाप को जहर देकर मारा था। हाँ, काजल के माँ बाप को मैंने मारा था, मैंने जहर देकर मारा था। क्यों? क्योंकि मुझे सुंदर नगर प्यारा था, सुंदर नगर चाहिए था। ना आप सुंदर नगर रहा, ना मेरी औलाद रही, इसलिए तुम सबको खत्म कर दूंगा। पहले तुझे मारूंगा, फिर काजल को मारूंगा। तो तू है वो आस्तीन का सांप, वो एक मुंह से मुझे भाई साहब कहता रहा और दूसरे मुंह से मुझे डसता रहा। फिर तुझे देव सिंह को खत्म कर दूंगा। कमिश्नर साहब, इस मुजरिम में कौन से दर्जे का खून है? आपने मेरे खून को गाली दी थी ना, ये तो आपके ही खानदान का खून है जो अपने ही भाई बेटियों का कत्ल करता फिरता है। मुझे तो मेरी गरीबी, मेरी मजबूरी ने मुजरिम बनाया था, ये क्यों मुजरिम बना? खैर, मैंने तो आज खून कर दिया, सही मुजरिम बन गया मैं। अब आपके कानून को जो करना है कर ले। करण, मेरे बच्चे, मैं जानती थी कि तू जरूर कोई अनर्थ करने जा रहा है। क्या किया? हाँ, अनर्थ तो हो गया, तेरा बेटा आज खूनी बन गया, खत्म हो गया वो। आज से अपना ख्याल तो खुद ही रखना, मैं तेरे लिए कुछ ना कर सका। मां, मुझे माफ कर दे, समझ लेना आज से तेरा बेटा मर गया। करण, बने हो करण, आज तुमने एक मुजरिम का खात्मा किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कानून हम पुलिस वालों को इसकी इजाजत देता है, तुम्हें नहीं। आज तुम काजल के सही रखवाले बने हो। काजल आज से तुम्हारी है करण, और तुम्हारी ही रहेगी। मैं तुम्हारे लिए कानून से लड़ूंगा।